भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को लेदा हटिया मैदान में चुनावी जनसभा किया गया। सभा में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम, कोडरमा लोकसभा की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, गांडी विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी दिलीप वर्मा, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे उपस्थित रहे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकालों को गिनाया। श्री मरांडी ने कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में चौमुखी विकास का काम हुआ है। गरीबों के उत्थान के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने झामुमो और कांग्रेस गठबंधन की राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि गठबंधन की सरकार झारखंड को लूटने का काम कर रही है। अमर बावरी ने केंद्र सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए जनता से भारी संख्या में एनडीए के पक्ष में अपना आशीर्वाद देने की अपील की। कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने कही कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पूरे देश में 303 सीट प्राप्त कर केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई। इसमें कोडरमा लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। इन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही नरेंद्र मोदी के सपने अब की बार 400 पार करना है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में जनता के लिए कार्य करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जमुआ विधायक केदार हाजरा, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र वर्मा, जिला महामंत्री संदीप डंगेट, जय रंजन, सिकंदर हेमरम, कामेश्वर पासवान, अरुण हाजरा, मंडल अध्यक्ष मनोहर यादव, विनय सिंह, चुन्नूकांत सहित महिला मोर्चा के नेता आदि उपस्थित थे। महिलाओं के घर में उनके सर पर छत देने का काम किया है, उनको खाने के लिए अनाज देने का काम किया है, उनको रसोई बनाने के लिए गैस का कनेक्शन देने का काम किया है, उनके इज्जत आबरू की चिंता करते हुए उनको शौचालय देने का काम किया है, और कोई बीमार पड़ जाए तो टुकुर अपने बेटा बेटी या माँ बहन को मरते हुए ना देखे। इसलिए आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का यह इंश्योरेंस देने का काम किया है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आपके घरों तक पानी पहुंचे, इसके लिए नल जल जीवन मिशन के माध्यम से नल से पानी पहुंचाने का योजना लाने का काम किया है। वही दूसरी ओर राज्य की सरकार जो 2019 में इस राज्य के अंदर ठग करके आपके मतों को ठग करके लेकर के यहाँ सरकार बनाने की काम किया। यह कांग्रेस जयमोहन बेटी के लोग जिन्होंने आपको वहां के लोगों को सपने दिखा करके झारखंड के बहुत जनता को सपने दिखा करके युवाओं को कहा लाख लाख हम प्रतिबद्ध लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार नहीं पाए तो 5,000 और 7,000 की बेरोजगारी भत्ता देंगे, और यदि ये भी नहीं कर पाए तो हम लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ऐसा हेमंत सोरेन ने जगह जगह गली गली में कह करके अपने मतों का अपने पति अपने पार्टी के लिए काम किया। और इतना ही नहीं, गरीबों के भोजन की भी चिंता करते हैं, और इसलिए कोरोना काल में हम उस दिन को याद करिए जब गाड़ी चलना सड़कें पर बंद हो गई। उस समय ट्रेन गाड़ी भी नहीं चल रही थी, हवाई जहाज भी नहीं उड़ रहा था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस संकट की घड़ी में भी देश के गरीबों को प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज देने का काम किया। मोदी जी ने यह गारंटी दिया है कोई भी गरीब भूखे नहीं रहेगा, और अगले 5 वर्षों तक गरीबों को मुफ्त में अनाज भी प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो मिलेगा। हमने 8-10 किलोमीटर को उठाया जाना पड़ रहा था, उसके दिन में सब कुछ टूट जाता था, गाँव में हॉस्पिटल लोग लेके नहीं पहुंच पाते थे, बीमे पर था, और यहाँ तक कि अस्पताल के डॉक्टर भी वहां नहीं पहुंचते। कभी लंबी समय तक राज्य के चिंता की हमारे नदी कैसा पार करते थे, बहुत सारे जो बुढ़े बुजुर्ग लोग हमारे बड़े जो लोग पता होगा क्या दिक्कत हो रहा है। लगातार लगते रहे हैं, चाहे वो जमीन घोटाला का हो, चाहे वो माइंस घोटाला का हो, और उससे नीचे अगर चल जाए, आज जो हमारे युवा हमारे जो देश के हमारे राज्य के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ जिस तरह से किया है, आपने देखा होगा कि अभी 4 वर्षों में एक भी वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाला, और इसलिए वैकेंसी नहीं बच निकाला, हमें लगता है कि तब तक इनको सेटिंग गेटिंग नहीं हो पाया। जब नौकरी को बेचने का इन्होंने सेटिंग कर लिया तो युवाओं को धोखा देने के लिए 2-2 बार वैकेंसी निकाला, 2-2 बार प्रश्न पत्र लीक हुए,
और जैसा कहा जाता है 20 लाख 25 लाख में इन्होंने नौकरी बेचने का काम किया है। और साथ ही साथ अगर ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों की बात करें तो आपको पता होगा आज ट्रैक्टर का मालिक किसान होता है, और कल तक जो ट्रैक्टर चालक होते थे वो कर्ज भर लेकर के ट्रैक्टर ले चलाते, उन्हें शोषण करने के भी लिए नए नए तरीके। हम सब में भारतीय जनता पार्टी ने मांग की, लगातार मांग किया कि भाई आप बालू का लीज कहीं निर्धारित कर दो। बालू का लीज इन्होंने करने का काम नहीं किया, इन्होंने बालू के लिए लीज अपने थानेदारों को दिया कि तुम ट्रैक्टर को पकड़ो, नगदी लो। 40 और 50 हज़ार गरीब किसान और मजदूर के बेटे ने अगर बालू उठाया हो अपना प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए, उन्होंने बालू उठाया था अपना घर बनाने के लिए, उन्हें 40 और 50 हज़ार रुपया दे करके छोड़ना पड़ा है। लीज उन्होंने इसलिए नहीं कराया कि लीज कराते तो सरकारी खजाने में पैसा जाती, और ये जो पैसा है डायरेक्ट ट्रांसफर मनी करने का ये आदर्श है। ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव के साथ साथ गांडे विधानसभा का भी उपचुनाव है। साथियों, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार 10 वर्षों से सरकार चल रही है, और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की महान जनता को हम नमन करते हैं कि पिछले बार आप सबने जो भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिला उसमें एक कोडरमा लोकसभा भी था, और इतने बड़े बहुमत के साथ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े निर्णय हुए, और उस निर्णय में कोडरमा लोकसभा का भी एक वोट पड़ा। साथियों, आज देश में सशक्त और मजबूत सरकार आपने बनाया, आपके आशीर्वाद से आपके सहयोग से देश में दोबारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, और आज तभी ये संभव हो पाया कि देश के अंदर एक मजबूत सरकार थी, मजबूत सरकार बनी तब धारा चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, 35A हटाने की बात हो, 3 तलाक की बात, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो एक बहुत ही कलंक था, बहुत ही उनके लिए बहुत ही दुखद होता था, आज उसके साथ साथ देश के अंदर अलग अलग चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात अगर हम करें, हमारी मातृशक्ति यहाँ पे उपस्थित है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, सिर्फ नारा नहीं दिया बल्कि एक संकल्प था, उस संकल्प के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने का, महिला सशक्तिकरण का उन्होंने जो एक मिसाल पेश किया कि हम महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, और इसके तहत लगातार देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ साथ देश के अंदर एक के बाद एक नए नए कानून भी आए। आज नए लोकसभा भवन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल भी पास हुआ, जो 2 दशक से लगभग ये अपेक्षित था, लोग चाहते थे, महिलाएं चाहती थी, लेकिन ये सब संभव हो पाया जब देश के अंदर